Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे, अपना नया चैप्टर आता है, नए सब्जेक्ट है, नया चैप्टर है, नए लेसन है, सब कुछ नया है। अपने जो AHDP फर्स्ट ईयर में जो पांचवी सब्जेक्ट चलती है पशु पसार, जिसको एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। जैसे पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा मैनेजमेंट में बात चल रही थी, फिर जैसे दूसरा अपना सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी का था, इसी की श्रृंखला में चलते हुए आप अपन लोग अब आगे अपना नया सब्जेक्ट आता है, एक पाँचवा सब्जेक्ट पशु प्रसार, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। जिसमें से सबसे पहले एक नंबर पर अपना क्वेश्चन आता है, नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्वे दर से साधन, सर्वे दर से साधन। आगे बात करते हैं, आगे का अपना क्वेश्चन आता है, पंचायती राज की वर्तमान में, पंचायती राज की वर्तमान में कौन सी व्यवस्था कार्यरत है, वर्तमान में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था कार्यरत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। कौन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। आगे बात करते हैं, नया क्वेश्चन आता है, वाहिट क्रांति का संबंध है, वाहिट क्रांति का संबंध है, और वाहिट क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। अपना नया क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। इसके बाद में अपना आगे नया क्वेश्चन आता है, स्कूल एवं महाविद्यालयों में, स्कूल एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, स्कूल एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, तो कौन सी शिक्षा है, इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू वे चैनल, टू वे चैनल। कहने का मतलब इसमें सिखाने वाला भी सीखता है और सीखने वाला भी सीखता है। अगला अपना नया क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा है, तो इसका नया जो आंसर है अपना वो आंसर हो जाएगा स्कूल एवं कॉलेज के बाहर दी जाने वाली शिक्षा, स्कूल एवं कॉलेज के बाहर दी जाने वाली शिक्षा। आगे बात करते हैं, नया क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2012 से, 15 अगस्त 2012 से। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, आर एल डी बी का पूरा नाम होता है, तो इसका पूरा नाम होता है राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, लाइव राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय है जयपुर में, इसका मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान में पशुधन विकास का कार्य करता है, राजस्थान में पशुधन विकास का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा
राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, पशुधन उपकेंद्र का प्रभारी पशुधन उपकेंद्र का प्रभारी होता है, पशुधन उपकेंद्र का प्रभारी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LSA, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं पशुधन सहायक, पशुधन सहायक। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, पशु औषधालय का प्रभारी होता है, पशु औषधालय का प्रभारी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VA, वेटरनरी असिस्टेंट, वेटरनरी असिस्टेंट। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में, 1998 में। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, राजस्थान में बामासा पशु बीमा योजना का संचालन कार्य संभाल रहा है, राजस्थान में भामाशाह पशु बीमा योजना का संचालन कार्य संभाल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जामडोली जयपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा जामडोली जयपुर। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, PGIVER कहाँ स्थित है, PGIVER कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना कहलाता है, कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि, इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन की, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। इसी प्रकार आगे अपन बात करते हैं नए क्वेश्चन की, पंचायती राज की शुरुआत देश में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से की थी, पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ से की थी। तो एक सही आंसर हो जाएगा नागौर से, सही आंसर हो जाएगा नागौर से। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, थार पारकर के लिए केंद्रीय गाय प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, थार पारकर गाय की नस्ल के लिए केंद्रीय प्रजनन फार्म हाउस कहाँ स्थित है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर, इसका सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना कब हुई, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 को, सही आंसर हो जाएगा 1984 को। आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, पशु पोषाहार संस्था कहाँ स्थित है, आगे अपना नया क्वेश्चन आता है, पशु पोषाहार संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामडोली जयपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा जामडोली जयपुर। इसी के बाद में अपना नया क्वेश्चन आता है, राजस्थान में बकरी फार्म कहाँ स्थित है,
राजस्थान में बकरी फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर में। और इसी प्रकार अपना आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। तो थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हम लोग इसी विषय में और जो दूसरा वाला अपना सब्जेक्ट है उसके और भी नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।